वी आर रेगुलरली डूइंग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस. अब हर मतलब 3-4 दिन हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, मगर प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं कभी. मतलब अपने आप को जो देश की मीडिया है उनके सामने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री एक्सपोज नहीं होना चाहते. काफ़ी समय से हम राफ़ाइल हवाई जहाज़ की डील में भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, और ये नया किस्सा नहीं है. अब ये 1-2 सालों से ये बातचीत चल रही है, और हमारी 3-4 हमारे सवाल हैं. एक सवाल है कि 526 करोड़ रुपए के हवाई जहाज़ को 1600 करोड़ रुपए में क्यों खरीदा गया. दूसरा सवाल है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड से कॉन्ट्रैक्ट छीन कर अनिल अंबानी को कैसे दिया गया. 30,000 करोड़ रुपए का ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट अनिल अंबानी को क्यों मिला. एचएल बेंगलोर के पास जमीन है, एचएल बेंगलोर के पास रेप्यूटेशन है, एचएल बेंगलोर हवाई जहाज बनाती है. अनिल अंबानी को एचएल से छीन के आपने क्यों दिया. हिंदुस्तान के युवाओं से रोजगार क्यों दिया. उसके बाद हिंदुस्तान में रोजगार की कमी है. आपने फ्रांस की सरकार को कहा कि आप भैया हवाई जहाज फ्रांस में बनाइए, और 36 हवाई जहाज की जरूरत. तो ये हमारे सवाल है. और आपने वैसिलेशन सरकार का देखा. डिफेंस मिनिस्टर ने, जब मोदी जी फ्रांस गए वापस आए, डिफेंस मिनिस्टर ने सीधा बोला कि देखिए मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम, प्रधानमंत्री को मालूम है फ्रांस में क्या हुआ. फ्रांस के राष्ट्रपति होलैंड कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने डायरेक्ट हमें ऑर्डर दिया है. प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने सीधा बोला भैया अनिल अंबानी को देना है, 36 हवाई जहाज खरीदने हैं और फ्रांस में बनेगा. तो हम आपको केस प्रेजेंट कर रहे हैं, और हम देश को केस प्रेजेंट कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि सवाल सरकार को, सवाल के जवाब देने हैं. एक भी जवाब नहीं आता है. डिफेंस मिनिस्टर सीतारमन पहले कहती हैं हाँ हम पार्लियामेंट में प्राइस रखेंगे, फिर कहती हैं प्राइस इज अ सीक्रेट. मैक्रोन जी आते हैं, मनमोहन सिंह जी, मैं आनंद शर्मा जी उनके साथ बैठते हैं, कहते हैं भैया प्राइस इज अ सीक्रेट. कहते हैं नहीं, प्राइस इज नॉट अ सीक्रेट, हिंदुस्तान के टैक्स पेयर का पैसा है, प्राइस सीक्रेट कैसे हो सकता है. उसके बाद प्राइस निकलती है, डैसोल्ट की ब्रोशर में प्राइस साफ निकलती है, 1600 करोड़ रुपए पैसा डैसोल्ट को दिया गया. तो ये हमारे सवाल है. वैसिलेशन होता जाता है, प्रधानमंत्री तो बोलते नहीं है, अरुण जेटली जी बोलते हैं, निर्मला सीतारमन जी बोलते हैं. हमने जेपीसी मांगी, कहा कि देखिए ज्यूरिसडिक्शन पार्लियामेंट का है, करा दीजिए, आइए सामने करा दीजिए ना. अरुण जेटली जी का ट्वीट आपने देखा, मैंने उनको ट्वीट किया कि चैलेंज किया कि भाई कर दीजिए ना, नहीं करेंगे. ठीक है, अब क्या होता है, आज सुप्रीम कोर्ट अपने ज्यूरिसडिक्शन में जजमेंट देती है, और उस जजमेंट से मैं 3 लाइन पढ़ना चाहता हूं. द प्राइसिंग डिटेल्स हैव हाउएवर बीन शेयर्ड विद द कॉम्प्टर एंड ऑडिटर जनरल हेरिन आफ्टर रिफर्ड टू एज सीएजी. And the report of the CAG has been examined by the Public Accounts Committee, hereafter referred to as PAC. Only a redacted portion of the report has been placed before the Parliament and is in public domain. अब ये इस जजमेंट का फाउंडेशन है. मैं हिंदी में भी बोल देता हूं. जो राफाइल हवाई जहाज के प्राइसिंग डिटेल्स हैं, कीमत के डिटेल्स हैं, उनको कॉम्प्टर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में लिखा गया है, और वो जो रिपोर्ट है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जो पार्लियामेंट की कमेटी है, उसके साथ शेयर किया गया है. ये भाइयों और बहनों जजमेंट का फाउंडेशन है.